sea, numerous seals come to the shore and then were horrified to learn that these seals were killed with club or rifles. Professor Green said sometimes they are shot at in the water from boats. 3 out of 5 seals are lost, and many seals are wounded. Shooting seals in the water is the most destructive method of hunting them. वो स्टूडेंट वहां पर देखकर बहुत सरप्राइज थे कि वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ सील्स थी. सील्स लाइक अ एनिमल लुक लाइक यू लुक लाइक इन दिस पिक्चर. विच काइंड ऑफ एनिमल इज लाइक सील? जो सील थे वो उस किनारे रहते थे. वो इन सब चीजों को देख के बहुत हॉरिफाइड हो रहे थे, डर रहे थे कि इनको कोई भी राइफल से या फिर किसी भी तरह के हैवी स्टिक से इन पर अटैक कर देता है, जिससे ये वाउंडेड हो जाती हैं. और कुछ सील्स जो हैं वो बोट्स के नीचे आकर या जो कुछ और सील्स हैं वो वाटर में डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, उनका कोई ना कोई शिकार कर लेता है. द प्रोफेसर एंटरटेन द स्टूडेंट विद अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेइंग व्हाइल ट्राइंग टू किल सील, सीलर्स ऑफ्टन गेट बीटन बाई फ्रीक्वेंटली योर फिंगर्स. द रिजल्ट इज वेरी नेस्टी एंड पेनफुल इन्फेक्शन एज द फिंगर गो सेप्टिक फॉलोड बाय द लॉस ऑफ यूज फिंगर. इट विल स्टिल बी देयर बट कम्प्लीटली इमोबाइल. इट इज नोन एज द सीलर्स फिंगर्स आयरनिकली नॉट यूज पुट अ ट्रिगर टू द शूट सी. फिर प्रोफेसर ने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए एक इंफॉर्मेशन दी कि जो सील्स को किल करता है, सीलर्स जो होता है जो इनका शिकार करने आते हैं, अगर उनको जो ये सील्स हैं फ्रिक्वेंटली एक फिंगर पे बाइट कर लें तो उसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होता है, पेनफुल होता है और वो फिंगर सेप्टिक हो जाती है. उस सेप्टिक होने के कारण जो सीलर्स की फिंगर होती है उसको कट कर दिया जाता है. वो कंप्लीटली काम करने लायक नहीं रहती वो फिंगर, और उस फिंगर को सीलर फिंगर्स के नाम से बोला जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो सीलर होता है वो अपनी जो फिंगर से ट्रिगर को भी पुश नहीं कर पाता, जिससे कि सील शूट कर सके वो सील्स को. द ग्रुप स्टूडेंट एट वंस अपॉन वन प्लेस एंड सिंपली टर्न अराउंड. दे सिंपली कुड नॉट इनफ ऑफ द ब्यूटी ऑफ द क्विट स्टार्क एंड द ग्लिस्टरिंग लैंड विद नो वाइल्ड लाइफ. द 24 आर डे लाइट विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. वहां पर स्टूडेंट का ग्रुप खड़ा होता है, एक ग्रुप होता है वहां पर, वो आपस से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आसपास देख रहे होते हैं, वो वहां की ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं, स्टार्क्स की तारीफ कर रहे होते हैं, डिसोलेट हो रहे होते हैं. और जो ग्लिस्टरिंग होती है उसकी शाइनिंग आ रही होती है लैंड की, लेकिन वहां पर कोई वाइल्ड लाइफ नहीं होती. 24/7 डे लाइट रहती है वहां पर, अंधेरा महसूस नहीं होता, जो कि उनका एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस होता है. Everything seems to be out of this world. They noticed that even within a short span time, climate and weather were not predictable. What they really did not expected was the incredible warm days they caught. Antarctica and the warm years they experienced firsthand evidence of the global warming. The warm temperature were softening the snow and melting the glacier. वहां पर चारों तरफ सब कुछ वर्ल्ड दिखाई दे रहा था, सब नोटिस कर रहे थे शॉर्ट पीरियड की यहाँ का क्लाइमेट कितना है. बहुत ठंडा है और प्रिडिक्टेबल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी डिक्लेयर नहीं हो सकता, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यहाँ पर वार्म डेज होंगे, ऐसा कुछ नहीं था. अंटार्कटिका एंड वार्म, यस दे हैड द फर्स्ट हैंड एविडेंस. ये ग्लोबल वार्मिंग का फर्स्ट हैंड एविडेंस है. द वार्म टेम्परेचर वर सॉफ्टनिंग द स्नो, एंड जब भी वो टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है वहाँ की स्नो मेल्ट होने लग जाती है ग्लेशियर में जाने. वाइल एंकर क्लोज टू द पोर्ट लोकरी द टेम्परेचर सोअर टू द ट्रॉपिकल 13 डिग्री सेल्सियस. मोहित कुड नॉट हेल्प रिमार्किंग दिस इज द टी शर्ट एंड शॉर्ट्स वेदर. वो जो एंकर था वो एक स्टॉप डिबेट कर रहा था. उसने कहा कि जो यहाँ का टेम्परेचर है ना वो 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसमें मोहित आपकी हेल्प नहीं कर सकता. दिस टी शर्ट एंड शॉर्ट वेदर, यहाँ पर टी शर्ट और शॉर्ट्स का वेदर नहीं है. बाय इवनिंग द ग्रुप गोट इन टू देयर बिग टेंट एंड दे हरीड अप द ग्रेट देयर मग्स ऑफ हॉट चॉकलेट मिल्क. दे वंडर्ड इफ दे वुड गेट ओनली आइसक्रीम थ्रू आउट. दे स्टे इन द अंटार्कटिका विद आइस एंड स्नो ब्लैंकेट वर्चुअली द एंटायर कॉन्टिनेंट.
एनवायरमेंट वॉज बिलीव्ड टू बी जस्ट टू हार्श एंड द बैरन टू स्पॉट एनीथिंग बियॉन्ड ओकेजन ह्यूमन विजिटर. इट वॉज बिलीव डेट अंटार्क्टिका वॉज वर्चुअली नो लाइफ. दिस इज अनट्रू. फिर क्या होता है, जब शाम हो जाती है तो वो सारे स्टूडेंट अपने ग्रुप में वापस जाते हैं. वहाँ जाने के बाद वो चॉकलेट मिल्क लेते हैं और वो आइसक्रीम वगैरह खा रहे होते हैं वहाँ पर, विद आइस एंड स्नो ब्लैंकेट. वर्चुअली एंटायर पूरे कॉन्टिनेंट पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्नो ब्लैंकेट दिखाई दे रहा होता है. वो इस चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढते हैं कि हाँ, तो ओकेजनली ह्यूमन विजिटर्स आते हैं ना, लेकिन हम ऐसा बिलीव करते थे कि यहाँ पर वर्चुअली कोई लाइफ नहीं है या किसी की कोई लाइफ नहीं है, लेकिन ये अनट्रू है, ये सच नहीं है. माई डियर स्टूडेंट, वी विल कॉन्टिन्यू दिस चैप्टर इन अदर वीडियो. थैंक यू. प्लीज मस्ट वॉच द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर.